हैं दोस्तों, खाने चखने जा रहे हैं।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए दोस्तों, हमारे चैनल के आगे बढ़ाइए। आज जा रहे हैं चिकन बनाने, 1 किलो मीट है चिकन का, आज जा रहे हैं बनाने। हमारी कढ़ाई गर्म हो गई, सरसों का तेल डाल दिए हैं, अब जा रहे हैं फ्राई करने। मीट डाल दिए हैं, अब हम जा रहे हैं मिक्सर में चलाने। अब ब्राउन होने तक इसको हम चलाएंगे, और चलाने के बाद ब्राउन हो जाएगा तब निकालेंगे। गैस बंद कर दिए, हमारा मीट ब्राउन हो गया है, प्लेट में हम निकाल रहे हैं। हमारी कढ़ाई गरम हो गई है, सरसों का तेल गरम हो गया है, अब तेज पत्ता 2 ठे डाल रहे हैं। 2 कटे हुए प्याज पतले पतले डाल रहे हैं फोरन में। हमारी प्याज ब्राउन हो गई है, इसमें अदरक है, प्याज है, लहसुन है, 2 मिर्चा है, पीस लिए हैं, एक पेस्ट बना लिए हैं, अब डाल रहे हैं। अब हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं। देखिए हमारी प्याज ब्राउन होने लगी है, अब हम गरम मसाला पीस के रखे हैं मिक्सर से, अब डाल रहे हैं, डाल दिए हैं, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। 1 चम्मच हल्दी डाल रहे हैं, अब इसको मिला रहे हैं अच्छे से, हल्दी डाल के मिला रहे हैं, हल्दी डाल के अच्छे से 1 चम्मच हल्दी डाल दिए हैं। प्याज और मसाले ब्राउन हो गए हैं, अब हम मीट डाल रहे हैं। मीट डाल के चला ब्राउन हो गया है, मीट डाल दिए हैं, अब चला रहे हैं अच्छे से, मिक्स कर रहे हैं। 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक, अब इसको हम मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। मीट ब्राउन हो गया है, अब पानी डाल रहे हैं 2 कटोरी। दो कटोरी पानी हो गया, अब इसको हम चला रहे हैं अच्छे से, मिक्स कर रहे हैं। अब 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, पकेगा। 20 मिनट हो गया, देखिए हमारा मीट बन के तैयार हो गया, गैस बंद कर दिए हैं, काट के धनिया धुल के अब डाल रहे हैं। देखिए हमारा मीट खूब बढ़िया बन के तैयार हो गया है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, हमारा मीट बन के तैयार हो गया है।